नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूँ हिमागदी मोजा और मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ इजराइल हमस की लेटेस्ट अपडेट के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ताकि इस युद्ध की अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रह सके। आप सबको पता है कि इस युद्ध का आज 45वां दिन है और ये जो युद्ध है दोनों तरफ से बराबरी पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि ना तो हमास हार मान रहा है और ना ही इजरायली सेना पीछे हटने को तैयार है। पर इसी बीच इजरायली सेना जो है वो अब चारों ओर से गिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दर्शकों, पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब यमन के हूती विद्रोही जो है वो इस युद्ध में एंट्री मार चुके हैं। दरअसल हुआ ये है कि लाल सागर में यमन के जो हूती विद्रोही है उन्होंने एक माल वाहक जहाज को अगवा कर लिया है और उसके साथ साथ उसके चालक और 25 और नागरिकों को बंधक बना लिया है। ये जो सारी घटना है इसको जो समुद्र है उसके बीचों बीच अंजाम दिया गया है। वहीं यमन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक हेलीकॉप्टर अचानक से इस जहाज के ऊपर आता है, कैसे उसमें से एक के बाद एक यमन के हूती विद्रोही नीचे उतरते हैं, अपनी पोजीशंस लेते हैं, जो जहाज है उसकी जो एंट्री है, एंट्री गेट है, उस पे जाते हैं और वहीं पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहीं उसके बाद ये भी दिखाया गया है कि कैसे उस जहाज के चालक को बंधक बनाया गया है और कैसे 25 और नागरिकों को भी बंधक बनाया गया है। उसके साथ साथ उस वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि कैसे उस जहाज को वो फिर आगे ले जाते हैं और उस जहाज के साथ साथ कुछ और नावें भी चल रही होती है। ये भी पता चला है कि ये जो जहाज है उसको यमन के जो बंदरगाह है उस पर ले जाया गया है और हूती जो आतंकवादी संगठन है उसने खुद इस जहाज के अपहरण की जो घटना है उसका सूत्रधार खुद को बताया है। उन्होंने ये माना है कि ये जो सारी घटना है उसको अंजाम हमने दिया है। वहीं आपको बता दें ये जो संगठन है इसको ईरान का भी समर्थन प्राप्त है और इसीलिए जो इसराइल है वो ईरान को इस घटना का जिम्मेदार मान रही है, उसको ही इस घटना का जिम्मेदार ठहरा रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जो जहाज है ये तुर्की से भारत आ रहा था जिसमें कई देशों के नागरिक शामिल थे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान आया है जिसमें इस शिप हाईजैकिंग की कड़ी निंदा की गई है और साथ ही पूरे विश्व के लिए ये जो घटना है इसको भयानक और चिंताजनक बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस जहाज में कोई भी इजरायली नागरिक नहीं था, क्योंकि दावा ऐसा किया जा रहा है कि इस जहाज का अपहरण इसी मकसद से हुआ था कि किसी नागरिक को, किसी इजरायली नागरिक को बंधक बनाया जाए। वहीं बात करें हमास की तो हमास ने इस घटना के लिए, इस शिप हाईजैकिंग के लिए हूती विद्रोहियों को धन्यवाद दिया है। अब आप बात करें गाजा की तो उत्तरी गाजा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दर्शकों, उत्तरी गाजा में एक अस्पताल के पास इजरायली सेना ने फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है, यानी कि हवाई हमला कर दिया है जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये जो दावा है ये खुद गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया है जो कि हमास ही चलाता है। हालांकि वहां पे उस जो इंडोनेशियन अस्पताल है उसके पास इजरायली सेना के कुछ टैंक्स देखे गए हैं जो कि हमास के लड़ाकुओं से लड़ रहे हैं। पर अगर बात करें इजरायल की प्रतिक्रिया की तो अभी इजरायल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये थी कुछ आज की अपडेट्स इस युद्ध की। आगे भी आपको ऐसी ही अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।